हाय हाय, वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो वी आर बैक विद अनदर रिएक्शन वीडियो। यस, और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं वो है टीजर। गदर 2 का ऑफिशियल टीजर है जी स्टूडियोज पे। ये टीजर आउट हुआ है, 3 दिन हो गए हैं, लेकिन हम लेट हो गए हैं, बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं। तो 3 दिन बाद हमारा ये रिएक्शन आ रहा है इसके ऊपर। ऑफिशियल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो एंड हियर वी गो। वीडियो दामाद है वो पाकिस्तान का, उसे नारियल दो, तीखा लगा, वरना इस बार वो दहेज में लाहौर ले जाएगा। क्रॉस इंडिया, अगला चुम्मा दिल्ली में। सो गाइस, जैसे कि वो स्टार्टिंग में बोलती हैं कि दामाद है पाकिस्तान का, नारियल दो और टीका लगाओ, तो आई थिंक इंडियन कल्चर में, हिंदुओं के कल्चर में होता है कि जब दामाद घर आते हैं, गेस्ट घर आते हैं, तो उनको नारियल दिया जाता है, टीका लगाया जाता है, तो इसलिए वो ये बोल रही हैं। और मुझे एक और चीज है कि इन्होंने शूटिंग कैसे की होगी, मतलब लाहौर कैसे दिखाया होगा, दिखा दिया होगा किसी ना किसी तरीके से, ऑफकोर्स पाकिस्तान में आके तो शूटिंग होने से रही, लेकिन वो बोलती हैं कि लाहौर भी ले जाएंगे इस बार। मतलब वो जो गदर वन था उसमें आई थिंक वो ले गए थे अपनी वाइफ को, है ना, तो इस वाले मूवी में वो पाकिस्तान क्या करने आ रहे हैं। या और जो सनी देओल और उनके साथ वो लड़की भी नहीं है जिनसे इनकी शादी हुई थी, ना ही बच्चा दिखाई दिया, बच्चा नहीं दिखाई दिया। और काफी टाइम बाद यू नो 1971 से अब आ रही है गदर 2, तो ऑफकोर्स स्टोरी कुछ अमेजिंग होगी। और बहुत ही आई डो लास्ट में कबर थी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो उनकी वाइफ थी वो मर गई और उनकी कबर जो है वो इस बार लाहौर में, तो इसलिए वो पाकिस्तान आए, वरना इस बार उनका पाकिस्तान आने का क्या मोटिव है। लाइक बीवी तो ले गए थे वो पहले ही, तो कुछ ना कुछ नई स्टोरीज है। और जो सॉन्ग था ना तुगर आजा परदेसी जो लास्ट में बजाय, ये आई थिंक रीमेक करेंगे इसी सॉन्ग को, क्योंकि फर्स्ट वाले का था और बहुत ही प्यारा सॉन्ग, बहुत ही मतलब बहुत अमेजिंग सॉन्ग है। जो भी सिंगर है हमें नहीं पता, उनकी बहुत ही ज्यादा कमाल की वॉइस है। और जो सनी देओल सर की जो लुक थी अमेजिंग, लाइक लग ही नहीं रहा कि ये अब वाले, मतलब 1971 से गाइस, मतलब आई थिंक 1971 में रिलीज नहीं हुई थी ये, कुछ वाकया हुआ था जिसके ऊपर मूवी थी गदर। और लाइक अब मतलब जब भी 17 इयर्स हो गए ऑलमोस्ट गदर 1 को, और अब लुक भी वही लुक लग रही है, और जो उन्होंने व्हील उठा के घुमा के मारा है, वाओ, मतलब सुपर एनर्जी, और जो इमोशंस उनकी आंखों से बयान हो रहे हैं, कमाल के, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग। सनी सर जो एक्टर है बहुत कमाल के, और बहुत ज्यादा टाइम बाद आई थिंक बहुत ही टाइम बाद हम इनको देख रहे हैं। लास्ट टाइम कब देखा था, कौन सी मूवी देखी थी लास्ट टाइम हमने इनकी, वो इनके ब्रदर जो है, मैंने आई थिंक फादर और ब्रदर के साथ हुई, मैंने नाम भूल गया, मुझे अभी मेरे दिमाग में था, वो देखी अभी नहीं लगे। यमला पगला था, हाँ यमला पगला दीवाना, बहुत पुरानी मूवी है वो भी, है ना, बहुत टाइम हो गया, तो बहुत टाइम के बाद देखेंगे गदर 2 में, सिनेमाज में नहीं लेकिन इंटरनेट पे मिल जाती है मूवीज। सो गाइस, वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो, होप यू लाइक इट, लाइक प्लीज गिव लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और आप लोगों के कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम लोग उस पर रिएक्ट करने की फुल ट्राई करेंगे। सो गाइस, वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो, बाय बाय।